वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे आप सब लोग, मेरा घर ऐसे होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है हमने। जैसे कि आपको पिछले ब्लॉग में पता है, हमने ये शेड लगा दिया था चूहे मारने के लिए, ट्रैप लगाया, लेकिन आपको नहीं बताया। आपको मैं दिखाता चलूँ, एक ये ट्रैप था, इसके ऊपर ये जो ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रहा है, ये जहर है, और इसके अंदर हमने टमाटर रखे थे। और एक ये है, ये देखें, ये भी चूहा खा के गया है, आपको नज़र आ रहा होगा। एक था उधर, ये देखें, और इस सेम इसके जैसा वो डरबे के बैक साइड पे था। और तीन हमने एक रखा था इधर, वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा टेबल के ऊपर, एक इधर और एक उधर। मस्त, मतलब तकरीबन ऑलमोस्ट खाए गए हैं, बस दो तीन रहते हैं, ठीक है, खाए गए हैं। सवाल आता है, खाए किसने हैं? आप भी काफ़ी चौंकी होंगे कि ये कैसे बात कर रहे हैं और ये क्या हुआ, क्या मतलब किसने खाया है। चूहे ने खाए भी हो सकते हैं, नहीं भी खाए हो सकते। सेकंड नंबर पे किसने खाए हैं आपको बताता चलूं। हम आपका कैमरामैन मान अब्बास के साथ आते हैं। अब्बास साहिब को नीचे मास्क पहने गए हैं, इनसे पूछते हैं ये जहर वाला टमाटर चूहों ने खाया या किसी और ने, बताते चलें। एंकर कैमरामैन मान के साथ, लेट्स गो, बताओ। कुछ तो गड़बड़ है, फिर बाद में आप कहते हो मेरी वीडियो नहीं सही बनी। कुछ तो गड़बड़ है। तो आपको मैं बताता चलूँ, इतना वक्त नहीं कराते आपको, ये किसने जहर खाया है। बास का कहना है, मेरे भाई का कहना है कि इस जहर को, ये वाला जो जहर है टमाटर वाला, ये जो पौधे की क्यारी के पीछे रखा था, ये खाया है। वो देखें, वो उधर लाश उठाने जा रहा है, देखते हैं आपके साथ लाश किसकी है। गई ओए, हमें लगा था इसने जहर खाया और ये जहर की वजह से मर गया। तो जहर की वजह से मर गया तो ये क्या है? बाद में इसको मारा है रात को। ओए होए, इतनी गंदी स्मेल गाइस, हमें लगा ये कल इसकी तबीयत डाउन हो गई थी, मुस्कान मादी की लूज मोशन कर रही थी, लेकिन मेरे भाई का कहना ये था कि इसने जहर खाया, तो नीचे जाकर परफ्यूम खा के सूंघ के आओ। तो मेरे भाई का कहना ये था, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये चूहे ने खाया होगा। फिर इस तरह ये रात को हम आए, ये एक्सपायर्ड हो चुकी थी मुस्कान मादी हमारी, लेकिन मेरी फेवरेट मादी थी ये, करके दिखा देंगे। ओ भाई, क्या हुआ? ओ भाई साहब, इतनी गंदी स्मेल है, वाकई गाइस बहुत गंदी स्मेल है। और रात को हम आए, जब हमें पता लगा मुश्का मादी एक्सपायर हो चुकी है, पिजन्स के डरबे में चूहा लेटा हुआ था, हमें लगा मर चुका है, लेकिन इस किधर है, इस शख्स की वजह से वो चूहा हाथ से निकल गया। इस शख्स की वजह से वो चूहा हाथ से निकल गया यार। भाई यार, थोड़ा सा मेंटेनेंस, मतलब अपने आप को काम करते हैं, आम करते हैं, आम होता है कि काम होता है। फिर इनकी लाशें उठाते हैं, चूजों की भी हमने वक्त ही करते लाश नहीं उठाई, और अब मुश्का मादी भी मर चुकी है, उसका बुरा हाल हो चुका है यार। अबे भाई साहब, अगेन चलो जाओ गाइस, हम उठा रहे ये, मतलब आपको थोड़ा सा ब्लर करके दिखा दे। अबे यार क्या कर रहे हो यार, एक काम ही नहीं ठीक से होता यार। दो वाली चूजे को गिरा दिया। और हाँ गाइस, कल हम जब तक मेरा भाई वो पीछे से चिक्स वगैरह उठा रहा है, हम कल लेके आए हैं अपने पैरट्स के बच्चों को हैंड फिट करने के लिए, उनमें से या मैं बजिस का बच्चा उठा लूँगा या लव बर्ड्स का, उसको कर लेंगे टेम। जैसे कि हैंड फिट करने के लिए मैं ये ले आया हूँ,
बस बच्चों के आने की देर है, तो अल्लाह करे जल्दी से आ जाए, अंडे ना ख़राब हो, कोई मसला ना हो। और कल इसी से हमने अपनी मुश्का मादी को दुआई भी दी थी। कल जैसे भी यार को हमने इधर बंद कर दिया, वो मेरा भाई अभी भी उधर लगा हुआ है, परफ्यूम वगैरह उसने छिड़क लिया उधर, रूम स्प्रे वगैरह, अब पता नहीं क्या बनता। मुश्का मादी को निकालना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि वो बड़ी है। बस अभी तो हमने ये डब्बा जो है ये हमने धूप में रखा हुआ है ताकि जम्स वगैरह पीछे हो जाए, साफ हो जाए मतलब। तो इधर से हमारा प्लान है अब पूरे सेटअप की सफाई करने का, ऐसे ही है ना। और वो जो कमरा है ना, अभी हमें लग रहा है वो चूज़ों का मेन घर है, ये जो इतना गंदा हुआ है ये सारा मेंटेन करना है अब। तो आज करेंगे ये वॉशरूम भी करना है पूरे सेटअप का ओवरऑल, और ये सारे जो बर्तन है ना ये अपने परिंदों के यूज़ में लाएंगे, और ये इनको आज वॉश भी करना है। हमने काफ़ी दिनों बाद पिजन्स भी खोले हैं क्योंकि उनका घर पूरा का पूरा ख़राब हुआ है, तो इसको डैडी सही कराना है आज की कोशिश है। अभी तो मेरा भाई इसकी वजह से सफाई कर रहा है, देखते हैं क्या बनता है। अभी ये जो ये वाला डब्बा हमने इस तरह से रखा है, ये अब इतनी जगह जो फाड़ी गया है इधर क्या करना है, ये देखें गाइस इस तरह से रखा है, ये अभी सही भी करवाना है। और ये देखें इतनी जगह खाली है, बाकी हमने सारा पीछे से भी साफ कर दिया है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया यार। तो गाइस प्लान में आया चेंज, मेरा भाई कह रहा है मैं भी आता हूँ, तो मिलके जाते हैं, लेके आते हैं फिर आपको आगे सरप्राइज देंगे। उधर किधर इधर खड़ा बैठा था, फोकस करके देखो फोकस। अभी ना कोई डॉक्टर को मारिया करो, समझ आ गई जंगली के ऊपर से ना अठी की तेरी आसमान अठो निकलिया, फटाफट निकलिया, गायब हो गया, पता नहीं होना इधर गया है कि नीचे गया। तो तू करो वो मुझे आएगा, तो गाइस आज का व्लॉग कर देता हूं, नेक्स्ट व्लॉग में देना, कल है संडे, तो कल सही धूमधाम सफाई होगी, जो सरप्राइज है आप नेक्स्ट व्लॉग में देना। अगर आपको अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव्स एंड गुड बाय।